अजवाइन के फायदों के ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन कौन से प्रॉब्लम में या कौन से इश्यू में किस तरह से अजवाइन खाना है ताकि हमको रिलीफ मिल सके और बेनिफिट मिल सके, उसके बारे में बहुत कम वीडियो है। हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि अजवाइन के फायदे भी देखेंगे और साथ में पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमें किस तरह से अजवाइन खाना है ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो या हमारे जो सिम्टम्स है वो कम हो या हमें राहत मिले, और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डीटी जगदीश, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, वेट लॉस डाइट कंसल्टेंट हूँ और मैं कई बार अपने क्लाइंट को अजवाइन खाने की सलाह देता हूँ। इनडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसे कॉमन प्रॉब्लम के लिए अजवाइन रामबाण औषध है। बहुत ही सिंपल है, आपको लगभग आधा चम्मच अजवाइन लेना है या लगभग एक चम्मच अजवाइन ले सकते हो और मुंह में डालना है और दांतों से उसको अच्छे से चबाना है, वेल चू करना है, पेस्ट बनाना है और फिर नॉर्मल जो वाटर है हमारा ड्रिंकिंग वाटर उस लगभग आधा कप या वन कप वाटर से उसको निगलना है, अंदर डालना है पेट के अंदर, बस इतना ही करना है। आपका ब्लोटिंग और इंडाइजेशन कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अगर इंडाइजेशन है, ब्लोटिंग है और साथ में स्टमक पेन है, मतलब स्टमक पेन ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, लगभग 4 ग्राम के आसपास आपको अजवाइन लेना है, रोस्टेड अजवाइन लेना है, इसकी पाउडर बनाना है और इसके साथ में हमें ब्लैक सॉल्ट डालना है। जो हमारा ब्लैक सॉल्ट होता है लगभग आधा ग्राम या 1 ग्राम तक हम यूज कर सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करके आपको गर्म पानी के अंदर लगभग 1 ग्लास वाटर के अंदर डाल के उसको पीना है, तो आपका जो स्टमक पेन है धीरे धीरे कम हो जाएगा। अजवाइन की अपनी एक एबिलिटी है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो मलमूत्र है, स्टूल है, उसको साफ करती है। खास करके जिनको कॉन्स्टिपेशन है ना, उनके लिए अजवाइन बहुत बढ़िया अच्छा रेमेडी है। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, लगभग आधा चम्मच आपको अजवाइन लेना है और खाना खाने के बाद आपको जस्ट चबा के इसको निगलना है विदाउट वाटर, और आपको वाटर पीना नहीं है। अगर पीना चाहते हो तो आधा घंटे के बाद या एटलीस्ट 15-20 मिनट का गैप देना, उसके बाद आप पानी पी सकते हो। मतलब सिंपली आपको जस्ट अजवाइन लेना है, मुंह में डालना है, वेल चू करना है और निगल लेना है विदाउट वाटर, तो ये आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक कर देगा। कुछ लोग होते हैं ना जिनको चेस्ट बर्न होता है, छाती में जलन होती है, ऐसे लोग क्या करें, खाना खाने के बाद लगभग एक आलमंड ले लें, मतलब बादाम ले लें, उसी साइज का अजवाइन ले लें, मतलब लगभग आधा चम्मच या 1/4 चम्मच आप अजवाइन ले लो, रोस्टेड अजवाइन ले लो, और बादाम और अजवाइन दोनों साथ में मिला के आपको जस्ट चबा के खा लेना है विदाउट वाटर, कुछ भी नहीं खाना है, और ये डिनर के बाद या लंच के बाद आपको करना है। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप जो हमारा कोकोनट होता है ड्राई कोकोनट, उसका एक छोटा सा पीस ले सकते हैं और उसके साथ सेम साइज में, मतलब जितना कोकोनट है उतना साइज का अजवाइन ले लो और दोनों को साथ में चबा के आपको निगलना है, तो आपका ये जो भी चेस बर्न है या चेस के अंदर जो जलन होती है उसको ये बंद कर देगा या इसे कम कर देगा। खास करके उन बच्चों के लिए जिनको भूख नहीं लगती और खाना खाने का दिल नहीं करता, उन लोगों को आप अजवाइन खिला सकते हैं और मॉर्निंग में खिलाना है, एम्प्टी स्टमक खिलाना है। मतलब दिन का जो पहला इंटेक होता है ना, जो हम दिन में जो सबसे पहला इंटेक जो रहेगा हमारा शुरू का, वो हमारा अजवाइन हो। मतलब जनरली मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट हमारा फूड का फर्स्ट इंटेक होता है, तो उसके पहले हमें अजवाइन लेना है, ओके। और मे बी आफ्टर ब्रश इनको दे सकते हैं या बिफोर ब्रश दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, लगभग आधा चम्मच या 1/4 चम्मच आपको अजवाइन लेना है, या बच्चा जितना खा सकता है उतना, कम से कम जितना खा सकता है उतना इनके मुंह में डालना और उनको बोलना है कि अच्छे से चबा के निगल लो, बस इतना ही करना है। विद इन 2 हफ्ते के अंदर इनको अच्छा भूख लगना शुरू हो जाएगा। अजवाइन फीवर में भी बहुत अच्छा काम करता है, स्पेसिफिक अगर मलेरिया का फीवर है, मतलब मलेरिया में क्या होता है, फीवर आता है और साथ में चिल्ड फील होता है, शिवरिंग होता है और रात में स्वीटिंग आती है और हमारा जो हार्ट है थोड़ा सा फास्ट धड़कता है, पेट में दर्द होता है, हेडेक होता है, ऐसे कंडीशन में आप अजवाइन दे सकते हैं मेडिसिन के साथ, ओके। और ये जो अजवाइन है आपको दिन में लगभग 4-5 बार इनको देना है, एनी कंडीशन में आप इनको खिला सकते हैं, तो इनके सिम्टम्स कम हो सकते हैं। मोस्टली विंटर में कुछ बच्चों को है ना कफ हो जाता है और चेस्ट के अंदर है ना म्यूकस जमा हो जाता है, कफ जमा हो जाता है, उसको निकालने के लिए भी अजवाइन बहुत अच्छा काम करता है। आपको सिंपली क्या करना है, जो हमारा खाने का पान होता है ना उसके अंदर आपको लगभग 1 ग्राम के आसपास आपको अजवाइन डालना है और दोनों को साथ में खिलाना है बच्चों को, वो भी डिनर के बाद खिलाना है, रात को खिलाना है। अगर आप 3-4 दिन करते हो तो ये म्यूकस धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको मिल्क लेने के बाद है ना डाइजेस्ट नहीं होता, या कुछ लोग होते हैं जिनको मिल्क लिया तो डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसे लोग क्या करना है, मिल्क को अजवाइन के साथ उबालना है और फिर ठंडा होने के बाद पीना है, तो इनका डाइजेशन इंप्रूव होगा। कुछ लोग होते हैं जिनको पूरी बहुत पसंद होती है, मैदा पसंद होता है, गेहूं की चपाती पसंद होती है, लेकिन इनका डाइजेशन बहुत पूर होता है, तो इनको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, पूरी खाना छोड़ देते हैं। लेकिन आप पूरी भी खा सकते हैं अगर अजवाइन के साथ लेते हो तो। बहुत ही सिंपल है, आप जब भी चपाती बनाते हो या पूरी बनाते हो उसके अंदर आपको अजवाइन डालना है और अजवाइन डाल के बनाना है और आपको खाना है, डेफिनेटली आपका इनडाइजेशन इंप्रूव हो सकता है। और जनरली जो हेल्दी पर्सन होता है उसको लगभग 6-7 बार आपको यूरिन आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको 10 बार या 15 बार यूरिन आता है। अगर आपका यूरिन फ्लो को या यूरिन टाइमिंग्स को अगर आप
रिड्यूस करना चाहते हैं, नॉर्मल रेंज में लाना चाहते हैं, तो अजवाइन ले सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, अजवाइन का पाउडर लेना है और गुड़ लेना है, दोनों को साथ में बाइंड करके एक गोली बनाना है और उसको खाना खाने के बाद लेना है। दिन में 3-4 बार आप ले सकते हो, ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हो, लंच के बाद ले सकते हो, डिनर के बाद ले सकते हो। पेशाब से याद आया, छोटे बच्चे होते हैं ना, नींद में बिस्तर के अंदर ही पेशाब कर देते हैं, यूरिन कर देते हैं, इनका यूरिन कम करने के लिए या रोकने के लिए आप ये सेम गोली यूज कर सकते हैं, 50% अजवाइन और 50% गुड़, और इसका एक गोली बना के इनको खिलाना है, खाना खाने के बाद देना है, मे बी लंच के बाद दे सकते हैं, डिनर के बाद दे सकते हैं, 2 टाइम दे सकते हैं। लगभग 2 हफ्ते के अंदर इनको अच्छा आराम मिल सकता है, इनका जो रात में सुसु करने का जो आदत है ये टूट सकता है। और जिनको हाइपर एसिडिटी है, रिफ्लेक्स है, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो मुंह में आ जाता है, डकार आता है, चाहे वो गीला डकार हो या सूखा डकार हो, या साथ में गैस है, ब्लोटिंग है, ओके इनडाइजेशन है, उसके लिए तो अजवाइन ये बहुत ही रामबाण औषध है और वेट लॉस में बहुत बढ़िया फायदा देता है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो और अजवाइन का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप वेट लॉस वाटर ले सकते हो, अजवाइन वाटर ले सकते हो, बहुत ही अच्छे बेनिफिट है। अगर उसकी रेसिपी अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप चेक कर सकते हो। और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी।